students, a very healthy morning to all of you. Today we will start our video for class 4th English. Now we will start from here. बाकी का हम यहाँ तक लास्ट वीडियो में रीड कर चुके थे बेटा, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. एन एलिफेंट वेलू विस्पर्ड. वेलू ने कहा, क्या है यहाँ? एक हाथी. जैसे आपस में चुपचाप बातें करते हैं ना फुसफुसाकर. दे वॉक्ड क्वाइटली ऑन द ग्रास एंड स्टॉप्ड बिहाइंड अ बिग ट्री. वो कहाँ पर चुपचाप चले गए? घास पर से चलते हुए और एक बड़े पेड़ के पीछे क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं. देयर वॉज अ लार्ज एलिफेंट अबाउट 20 meters अवे. जो हाथी था वो उनसे कितनी दूरी पर था? वहाँ 20 meters की दूरी पर. ही इज हंग्री. मैं गुस्से में था. डोंट लेट हिम हियर अस, वेलू विस्पर्ड. वेलू ने फिर आपस में बातचीत चुपचाप करके कहा कि उसने हमें नहीं सुना है. बट द एलिफेंट हर्ड द हर्ड देम. बट द एलिफेंट हर्ड देम. लेकिन हाथी ने उनकी जो फुसफुसाहट थी, बातें थी, वो सुन ली थी. ही स्मेल्ड देम. और उसको ठू, उनको सूंघ भी लिया था. ही पुट हिज लॉन्ग ट्रंक अप इन द एयर. उसने अपनी लंबी सूंड को, ट्रंक क्या होती है बेटा? सूंड को हवा में क्या किया? घुमाया. एंड ट्रम्पटेड लाउडली. और जोर से जो है चिंघाड़ लगाई. द बॉयज डिड नॉट मूव. लेकिन जो लड़के थे वो वहां से नहीं हिले. वेलू वॉज अफ्रेड. क्योंकि वेलू है वो क्या हो गया था? डर गया था. बट अमित वाजंट. लेकिन अमित नहीं डरा था. ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ. मैं क्या ले रहा था वहाँ पर? इंजॉय कर रहा था, मजे कर रहा था. स्लोली द एलिफेंट केम टूवर्ड्स देम. धीरे धीरे हाथी क्या कर रहा था? धीरे से उनकी तरफ आ रहा था. नाउ ही वॉज ओनली 2 or 3 meters अवे एंड वॉज शेकिंग हिज हेड इन एंगर. अब वो केवल कितनी दूरी पर था उनसे? 2 या 3 meter की दूरी पर था. और अपनी जो हेड है, जो अपना हेड है, सिर है, वो उसको गुस्से में हिला रहा था. शेकिंग होता है हिलाना. ही इज गोइंग टू अटैक अस. क्या करना चाह रहा था वह उन पर? आक्रमण. वेलू विस्पर्ड टू अमित. वेलू ने फिर से फुसफुसाकर अमित से कहा, वी मस्ट डू समथिंग. हमें कुछ करना चाहिए. वी मस्ट डू समथिंग. हमें अवश्य कुछ करना चाहिए. ही पुल्ड आउट अ बिग ब्राउन पेपर बैग फ्रॉम हिज पॉकेट. उसने क्या निकाला? अपने बैग से एक बड़ा पेपर का बैग निकाला अपनी पॉकेट से. देर वर सम स्वीट्स इन इट. और उसके अंदर कुछ क्या थी? मिठाइयाँ थी. ही ड्रॉप द स्वीट्स ऑन द ग्रास. उसने जो स्वीट्स थी वो कहाँ पर डाल दी? घास पर. एंड स्टार्टेड टू ब्लो एयर इन टू द बैग. और अपने बैग को किस में घुमाया? हवा में. सून द बैग वॉज लाइक ए बिग बैलून. और जल्दी ही वो बैग जैसे ही उसने हवा में घुमाया तो क्या बन गया? एक गुब्बारे जैसा. ही हिट इट हार्ड विद हिज हैंड. उसने उसे अपने हाथ से जोर से मारा. इट मेड अ वेरी लाउड साउंड. और फिर जैसे ही मारा तो एक बहुत तेज आवाज हुई. द एलिफेंट स्टॉप ट्रम्प्ड एंगरली एंड टर्न्ड अवे. जो हाथी है वो रुकता है, फिर चिंघाड़ता है गुस्से से और वहां से चला जाता है. इट वॉक्ड क्विकली थ्रू द टॉल ग्रास एंड सून डिसअपीयर्ड इनटू द फॉरेस्ट. मैं जल्दी से वहां से घास पर से गुजरता है और वहां से अदृश्य हो जाता है, जंगल में चला जाता है. बोथ द बॉयज हीव्ड अ साइन ऑफ रिलीफ. दोनों बच्चों ने क्या ली? राहत की सांस ली उसके जाने के बाद. ही थॉट वी हैड ए गन. अमित सैड लाफिंग सॉफ्टली. ही सैड वेलू. वेलू क्वाइटली लेट अस रन. उसने सोचा कि काश हमारे पास क्या होती? एक गन होती. अमित फिर हंसते हुए कहता है, यस सैड वेलू क्वाइटली. आप ठीक कहते हो. लेट अस रन. चलो दौड़े यहाँ से. दे रन. वे दौड़ते हैं. आफ्टर सम टाइम अमित सैड. कुछ समय पश्चात अमित कहता है, लुक दोज आर द लाइट्स ऑफ आवर कैंप. देखो वो हमारे कैंप की लाइट है. व्हाट अ वेलकम साइट. ऐसा लग रहा है जैसे हमारा स्वागत कर रहे. द टू बॉयज डिडंट स्टॉप रनिंग अंटिल दे वर सेफ एट द कैंप. वो जब तक वहाँ से नहीं रुके दौड़ते हुए, जब तक कि वो सेफली अपने कैंप में नहीं पहुँच गए.
सो स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आपकी जो रीडिंग है इस चैप्टर की कंप्लीट हो गई है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कल हमने पढ़ा था पार्ट 10 प्रेरक पर्सन, और आज कुछ प्रश्न मैंने आपको करा दिए थे शब्दार्थ, और कुछ प्रश्न करा दिए थे बाकी बच्चे के प्रश्न अभी हम करेंगे। तो आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो प्रश्न है इनमें जो खाली जगह भरी बची हुई है वो हमें भरनी है। तो हमारा पहला वाक्य है, पंडित मदन मोहन मालवीय डैश के पास उप कुलपति का पत्र आया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पास उपकुलपति का पत्र आया, तो इस वाक्य में क्या फिल करेंगे हम, जी। अगला वाक्य है, उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और डैश कहलाई। तो बच्चों उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसके बाद उन्हें एक उपाधि मिली थी, किसकी उपाधि मिली थी उनको, महामना की। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, महामना। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और महामना कहलाए। कौन सी उपाधि मिली थी उनको, महामना की। हमारा अगला वाक्य है, माननीय महोदय डैश स्वीकार करने में डैश हूँ। तो यहाँ पर आएगा, माननीय महोदय मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। ठीक है बच्चों, क्या आएगा यहाँ पर, माननीय महोदय मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। अगला वाक्य है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डैश के प्रथम डैश थे। ये क्या आएगा यहाँ पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या आएगा दोनों जगह, यहाँ आएगा भारत और यहाँ आएगा राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला वाक्य है, देश के डैश पद पर होने के बावजूद भी उनमें डैश नहीं था। यह आएगा सर्वोच्च और घमंड। कैसे, देश के सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद भी उनमें घमंड नहीं था। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाओ। पहला वाक्य है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। हमने पाठ में पढ़ा था कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे बहुत ही सरल थे और उनको गुस्सा नहीं आता था, उनका स्वभाव कैसा था, विनम्र था। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है, मालवीय जी परोपकारी और समाज सुधारक थे। ये बात भी बिल्कुल सही है, और तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे। वो वास्तव में परोपकारी और समाज सुधारक थे, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सही का निशान। आगे है, तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया। तुलसी कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का काम करने वाला नौकर। तो जब वो सफाई कर रहा था, हमने जब पाठ पढ़ा था आपने सुना होगा कि जब वो सफाई कर रहा था तो क्या हो गया था, उसके हाथ से पेन गिरकर टूट गया था। तो ये बात सही है बिल्कुल, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे। और हमारा अगला वाक्य है, मालवीय जी ने डॉक्टरेट की उपाधि स्वीकार कर ली। तो बच्चों ये बात गलत है, क्योंकि मालवीय जी ने डॉक्टरेट की उपाधि स्वीकार नहीं की, क्योंकि उन्हें पंडित की जो पंडित की उपाधि से बढ़कर उनको उनके लिए कोई उपाधि नहीं थी, इसलिए उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि स्वीकार नहीं की थी। तो यहाँ पर ये बात गलत है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, गलत का निशान लगाएंगे। तो बच्चों आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे, आपको ये दोनों प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मनीषा मैम योर मैथ टीचर फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। लेट वी स्टार्ट अवर मैथ ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 4th। माय डियर स्टूडेंट, इन प्रीवियस क्लास वी डू क्वेश्चन नंबर 1st ऑफ एक्सरसाइज 9.1। टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2nd, राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स इन वर्ड्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2nd में हमें इन फिगर्स में गिवन इन अमाउंट्स को हमें इन वर्ड्स में राइट करना है। सो लेट वी स्टार्ट। पार्ट ए, रुपीज 49। बेटा 49 को इन वर्ड्स में कैसे राइट करेंगे, RTY 40 NINE 9 रुपीज RUPEE S रुपीज।
में पैसे गिवन नहीं है तो हम पैसे राइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट बी, रुपीज 42.20 पैसे। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं रुपीज, और पॉइंट के राइट हैंड साइड में क्या होते हैं पैसे। बेटा आप इनको पेंसिल से राइट भी कर सकते हैं, इधर क्या है रुपीज और पॉइंट के राइट हैंड साइड में क्या है पैसे। अब आप कैसे राइट करेंगे इसको, 40 FORTY 42 TWO 2 रुपीज RUPEES रुपीज 20 TWENTY 20 पैसे PAISE पैसे। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट ई। स्टूडेंट पार्ट ई में गिवन है 110.50 रुपीज। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो अमाउंट है उसके साथ हम क्या लगाएंगे रुपीज, और राइट हैंड साइड में जो अमाउंट है उसके साथ क्या लगाएंगे पैसे। तो कैसे राइट करेंगे इनवर्स में, 110 रुपीज RUPEES रुपीज, और पॉइंट के राइट हैंड साइड में क्या गिवन है 50 FIFTY पैसे PAISE पैसे। नाउ नेक्स्ट पार्ट, पार्ट एच। पार्ट एच में हमें गिवन है 0.03। बेटे रुपीज गिवन नहीं है, रुपीज क्या है यहाँ पे जीरो, और पॉइंट के राइट हैंड साइड में क्या गिवन है 3 पैसे। तो वर्ड्स में कैसे राइट करेंगे, 0 रुपीज RUPEES रुपीज 3 THREE 3 पैसे PAISE पैसे। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो 3 THREE 3 पैसे PAISE 3 पैसे। आपको जो इजी लगे आप वो राइट कर सकते हो, मैंने आपको दोनों कराए हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो रिमेनिंग पार्ट्स यू डू योरसेल्फ। बेटा आपका होमवर्क है पार्ट सी 30 रुपीज 50 पैसे, पार्ट डी 65 रुपीज 75 पैसे, पार्ट एफ 314 रुपीज 13 पैसे, एंड पार्ट जी 2 रुपीज 3 पैसे। सो स्टूडेंट्स यू डू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग इन योर फेन नोटबुक। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट योर एसएसटी क्लास ऑनलाइन। डियर स्टूडेंट्स फॉर क्लास 4 टुडेज आवर टॉपिक इज द साउदर्न प्लेटू। डियर स्टूडेंट्स इन आवर प्रीवियस वीडियो वी रीड दिस चैप्टर कंप्लीटली, आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड टुडे वी विल डू दिस चैप्टर डिफिकल्ट वर्ड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालेंगे डिफिकल्ट वर्ड, DIFFICULT डिफिकल्ट WORD वर्ड। फर्स्ट जो हमारा डिफिकल्ट वर्ड है वो है टेबल लैंड, TABLELANDED टेबल लैंड। सेकेंड इज प्लेट्यू, PLATEAU प्लेट्यू। थर्ड है हाईलैंड, HIGHLAND हाईलैंड। फोर्थ है बाउंड्री, BOUNDARY बाउंड्री। फिफ्थ है रीजन, REGION रीजन। सिक्स्थ है मिनरल्स, MINERAL मिनरल। सेवेंथ है इम्पोर्टेंट, IMPORTANT इम्पोर्टेंट। एट है कंस्ट्रक्टिव, CONSTRUCTED कंस्ट्रक्टिव। नाइन्थ है डिवाइडेड, DIVIDED डिवाइडेड। टेंथ है कंसिस्ट, CONSISTS कंसिस्ट। रिपीट कर लेते हैं एक बार, फर्स्ट क्या है टेबल लैंड, सेकंड इज प्लेट्यू, थर्ड हाईलैंड, फोर्थ बाउंड्री, फिफ्थ है रीजन, सिक्स्थ है मिनरल, सेवन्थ इम्पोर्टेंट, एट है कंस्ट्रक्टेड, नाइन्थ डिवाइडेड और टेंथ है कंसिस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे वर्ड मीनिंग। फर्स्ट हमारा वर्ड मीनिंग है प्लेट्यू, PLATEAU प्लेट्यू मीन्स पठार। सेकंड है रिवर, RIVER रिवर मीन्स नदी। थर्ड है अल्टीट्यूड, ALTITUDE अल्टीट्यूड मीन्स होता है समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। फोर्थ है सोइल, SOIL सोइल मीन्स मिट्टी। फिफ्थ है माउंटेन, MOUNTAIN
है रीजन, REGION, रीजन मीन्स क्षेत्र। सेवंथ है इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। एट है मिनरल्स, MINERALS, मिनरल्स मीन्स खनिज। नाइन्थ है वाटरफॉल, WATERFALL, वाटरफॉल मीन्स झरना। टेंथ है लोकेशन, LOCATION, लोकेशन मीन्स स्थान। एक बार फिर से देख लो, फर्स्ट क्या है प्लेट्यू, प्लेट्यू मीन्स पठार। सेकंड है रिवर, रिवर मीन्स नदी। थर्ड है अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मीन्स समुद्र तल से ऊंचाई। फोर्थ है सोइल, सोइल मीन्स मिट्टी। फिफ्थ है माउंटेन, माउंटेन मीन्स पर्वत। सिक्स्थ है रीजन, रीजन मीन्स क्षेत्र। सेवन्थ है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। एट है मिनरल्स, मिनरल्स मीन्स खनिज। नाइन्थ है वाटरफॉल, वाटरफॉल मीन्स झरना। और टेंथ है लोकेशन, लोकेशन मीन्स स्थान। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डिफिकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स। You learn and write these difficult words in your fair notebook should be neat and clean and writing. Thank you. Good morning to all of you. I am Anu Yadav, your GK teacher from MLP International School, Rajpura. Students, today we start our PT 2 syllabus. So, our today's topic is, today's chapter is A Loss of Some Famous Personalities. It is chapter number 29. Here some alas are given for you. आपके सामने कुछ ये कॉमन कॉलम गिवन है, कॉलम ए एंड कॉलम बी। आपको इसे मैच करना है कि उनका निकनेम क्या है और उनके निकनेम से हमें मैच करना है। लेट्स स्टार्ट। अवर फर्स्ट वन इज पंजाब केसरी। पंजाब केसरी की उपाधि हमने किसको दी थी? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को हमने पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। पंजाब केसरी की उपाधि दी थी लाला लाजपत राय जी को। सेकंड इज नेताजी। नेताजी हम किसको बोलते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस इज नोन एज नेताजी। नेताजी की उपाधि हमने किसको दी? सुभाष चंद्र बोस को। थर्ड वन इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। भारत का शेक्सपियर नाम से कौन जाने जाते हैं? कालिदास। कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जी हैं वो शेक्सपियर, भारत के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। फोर्थ वन इज निराला। जो निराला है वो हम निराला की उपाधि हमने किसको दी? सूर्यकांत त्रिपाठी जी को। सूर्यकांत त्रिपाठी इज नोन एज निराला। निराला नाम की उपाधि हमने सूर्यकांत त्रिपाठी जी को दी। फिफ्थ वन इज मास्टर ब्लास्टर। मास्टर ब्लास्टर हम किसे कहते हैं? सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर इज नोन एज मास्टर ब्लास्टर। सिक्स्थ वन इज विजार्ड ऑफ हॉकी। विजार्ड ऑफ हॉकी की उपाधि हमने ध्यानचंद जी को दी। ध्यानचंद इज नोन एज विजार्ड ऑफ हॉकी। सेवंथ इज देशबंधु। देशबंधु की उपाधि हमने चित्रंजन दास जी को दी। चित्रंजन दास इज नोन एज देशबंधु। एट्थ वन इज आयरन मैन। आयरन मैन की उपाधि हमने वल्लभ भाई पटेल जी को दी है। वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत के आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं, लोहे पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। सवर कोकिला। जो सवर कोकिला है इसकी उपाधि, सवर कोकिला के नाम से कौन जाना जाता है? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर इज नोन एज सवर कोकिला ऑफ इंडिया। टेंथ इज बापू। जो बापू नाम से उपाधि दी गई है वो किसको दी गई है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज नोन एज बापू ऑफ इंडिया। बापू के नाम से जाने जाते हैं महात्मा गांधी जी। लेट्स रिवाइज अगेन आवर चैप्टर।
फर्स्ट वन इज पंजाब केसरी। पंजाब केसरी नाम से उपाधि हमने किसको दी है? लाला लाजपत राय जी को। लाला लाजपत राय जो है उनको हमने पंजाब केसरी कहा है, पंजाब केसरी की उपाधि दी है लाला लाजपत राय जी को। सेकंड इज नेताजी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं हम, सुभाष चंद्र बोस इज नोन एज नेताजी। थर्ड वन इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? कालिदास को। कालिदास इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। फोर्थ इज निराला। निराला हमने किसको उपाधि दी है? सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी जी इज नोन एज निराला। फिफ्थ वन इज मास्टर ब्लास्टर। मास्टर ब्लास्टर की उपाधि सचिन तेंदुलकर को दी गई है, सचिन तेंदुलकर इज नोन एज मास्टर ब्लास्टर ऑफ इंडिया। सिक्स वन इज विजार्ड ऑफ हॉकी। विजार्ड ऑफ हॉकी जो उपाधि है वो हमने किसके नाम किसको दी है? ध्यानचंद जी। ध्यानचंद जी इज नोन एज विजार्ड ऑफ हॉकी। देश बंधु। सेवंथ वन इज देश बंधु। देश बंधु की उपाधि हमने किसको दी है? चित्रंजन दास। चित्रंजन दास इज नोन एज देश बंधु। आयरन मैन। आयरन मैन जो है उपाधि हमने किसको दी है? वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। नाइन्थ इज सवर कोकिला। सवर कोकिला की उपाधि लता मंगेशकर को जी को दी गई है, लता मंगेशकर इज नोन एज सवर कोकिला ऑफ इंडिया। टेंथ वन इज बापू। बापू नाम से बापू की उपाधि हमने किसको दी है? महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी इज नोन एज बापू ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड अवर टूडेज चैप्टर नंबर 29। थैंक यू स्टूडेंट्स।